जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब जब चाहे किसान हो या मजदूर हो या कर्मचारी की जब कोई चीज़ आती है तो आप इस तरह से पटल पर रखते हैं। हमारा आंदोलन 10 दिसंबर से निरंतर जारी था पूरा कार्य बहिष्कार करते हुए, और 28 दिसंबर को हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की माननीय अपर राजस्व सचिव रेणुका कुमार जी और माननीय सचिव राजस्व चेयरमैन साहब के मध्य सकारात्मक वार्ता हुई और वार्ता बहुत लंबी चली। हमारे पदाधिकारियों बिंदुवार अपनी 8 सूत्री मांगों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि भाई आप बिना शर्त इस आंदोलन को जनहित में और जो बिल संशोधन का कार्य चल रहा है प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आप धरने को समाप्त करें और हम आपकी सारी मांगों को मानेंगे और विश्वास करिए, और इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि जितनी भी कार्रवाइयाँ आपकी हुई हैं अब के आप माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी राज्य परिषद द्वारा ये भी बताया गया कि आप अब के बिना शर्त की विश्वास करके देखिए हम आपको बहुत कुछ देंगे। तो हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने जनहित को देखते हुए और सर्दी के मौसम को देखते हुए और जो भी प्रदेश की हालात है उसको देखते हुए और किसानों की और मजदूरों की और बच्चों की समस्या को देखते हुए अपना आंदोलन वापस लिया, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को जरूर सुनेंगे और सारी मांगें हमारी थावत मानी जाएंगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी दे दिया है, और कल से हमारे सभी लेखपाल पूर्व की भांति अपने पदिदातों को निर्वहन करते हुए कार पर आ गए हैं, और साथ ही साथ हम अपने जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी 20 दिन की हड़ताल के दौरान ऐसी कोई बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं की जो परेशानी का सबक बनी। जो 10 लेखपाल निलंबित हुए उनके बारे में निश्चित ही माननीय अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि उनको तत्काल जो है शासन के जो पत्र आया है माननीय महंत को राजस्व सचिव का उनके क्रम में उनको सेवा में बहाल कर दिया जाएगा। सारी कार्रवाई पूरे प्रदेश के लेखपाल जितने भी हैं चाहे वो बर्खास्तगी हो चाहे FIR की हो चाहे निलंबन की हो सारी कार्रवाई समाप्त होंगी और निश्चित ही हमारी मांग मानी जाएंगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री से और प्रशासन से। इसी के क्रम में आपको पुनः धन्यवाद देते हुए और हमारे सभी लेखपाल अपने काम पर यथावत कर रहे हैं, धन्यवाद।